जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री दिनों रात जनता की सेवा में समय गुजार रहे हैं, हर विभाग से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सपनों को, उनकी मंशा को बलिया का एक विभाग धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगर पालिका विभाग की, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका है। आए दिन ईओ नगर पालिका दिनेश विश्वकर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर से गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ईओ नगर पालिका की शासन में ज़बरदस्त सेटिंग की वजह से ईओ नगर पालिका का कोई कुछ नहीं कर सकता। नगर पालिका के ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप बुधवार को एक बार फिर लग चुका है। इस बात को तो नगर पालिका के विभागीय लोग, नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी ही ईओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी व नगर पालिका के विभागीय लोगों का कहना है कि ईओ नगर पालिका के भ्रष्टाचार से हम बहुत पीड़ित हैं। विभागीय लोग ने ईओ का भ्रष्ट बताते हुए कहा कि नगर पालिका के ईओ दिनेश विश्वकर्मा नगर पालिका के समस्त संसाधन और धन को अपना समझकर लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं। नगर पालिका में स्वयं विधा पर कार्यरत कर्मचारियों का 6 महीने तक के वेतन रोक देते हैं, जिससे संविदा कर्मचारी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। विभागीय लोग और कर्मचारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि 6 महीने से रुका हुआ वेतन मिले और नगर पालिका के सभी फाइलों की गंभीरता से जांच हो और जगलर ईओ से बचकर जांच हो, क्योंकि ईओ नगर पालिका मैनेजमेंट गुरु है, यह सभी मैनेज कर सकते हैं। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग आंदोलन का ऐलान कर देंगे। वहीं जब नगर पालिका के ईओ पर उन्हीं विभाग के कर्मचारियों द्वारा लग रहे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में पूछा तो नगर पालिका के ईओ ने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। रिपोर्ट बाय अहमद समाचार इंडिया न्यूज़ बलिया। मैं भारत भूषण मिश्रा, स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ नगर पालिका परिषद बलिया का महामंत्री हूँ। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और लूट खसोट के संबंध में यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय जो है नगर पालिका के समस्त संसाधन और धन को अपना निजी संसाधन और निजी धन मान के इसे आँख मूंद के लूटना और लुटवाने का काम कर रहे हैं। हमारे संविदा कर्मचारी हैं, 6-6 महीना 5-5 महीना वेतन नहीं दिया जाता है इन सबों को। वेतन मांगने पर कहा जाता है कि भगा देंगे, अभी तुम राजनीति करते हो। क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि हमारा जो भी धन है उसका उचित उपयोग हो, यह लूट खसोट बंद हो। हमारे राज्य वित्त का पैसा है, उस पर पहला अधिकार हमारे कर्मचारियों का होता है, तो पहले हमारे कर्मचारियों का जो भी बकाया है। भ्रष्टाचार चरम पे आ गया है ना सर, अति सर्वत्र वर्जित अति हो गया है यहाँ। अब यह हम लोगों के लिए सहन, मतलब यह जो है एकदम सहने से ऊपर हो गया है। कौन इसका कारण है? इसके कारण एक मात्र हमारे ईओ साहब हैं, जो जगलर आदमी है, जो एडवोकेट भी हैं, वो बताते हैं कि हम हाई कोर्ट में वकालत भी किए हैं, यह हर चीज़ को जान। दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी, सबसे पहले तो यहाँ जो भी भ्रष्टाचार, जो भी फाइलें हैं, एक एक फाइलों की जाँच हो, उसमें हमारे संगठन का भी कर्म, मतलब कोई ना कोई पदाधिकारी रहे, ताकि ये लोग जाँच प्रभावित न कर सके। कहें कि हमारे ईओ साहब जो है मैनेजमेंट गुरु हैं, ये मैनेज कर लेंगे अगर जांच आएगी तो इसलिए हमारे संगठन का कोई ना कोई पदाधिकारी उसमें रहे, ताकि तो घुमा फिरा के तथ्यों को पेश न करें, उसको हम उचित तरीके से पेश करा। क्योंकि एक एक चीज़ों में यहाँ सर, संसाधन से लेके हर चीज़ों में, चाहे राज्य वित्त का पैसा हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का पैसा हो, अमृत का पैसा हो, हर पैसे में लूट खसोट की गई है यहाँ। अब नहीं सुनेंगे तो मजबूरन, हम तो अपने मांग पत्र में हमने दिया है कि लॉकडाउन ठीक है, कोरोना महामारी है, इसमें धरना प्रदर्शन या अधिक लोगों को जुटाना ही है, लेकिन हम सिंगल यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इतने आहत हैं कि अगर इसका जो है जल्दी कोई समाधान नहीं हुआ तो बहुत जल्द हम लोग यहाँ जो है आंदोलन का, धरना प्रदर्शन का ऐलान कर देंगे।